हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास मजे में है ना? वेरी गुड फ्रेंड्स। आज संडे है, घर में सन्नाटा छाया हुआ है, दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। हालांकि शुभी का आज स्कूल में एग्जाम है तो उसे 9 बजे निकलना है और मैं आज जाने वाली हूँ पाटना देवी। हम रहते हैं भुसावल में, भुसावल से आगे जलगांव, फिर चालीस गांव के पास एक पाटना देवी माता का मंदिर है, काफी फेमस है और इन दिनों लोग जाते हैं क्योंकि जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा जहां पर देवी का मंदिर होता है कैसे पहाड़ियां होती हैं, झरने होते हैं, कुछ इस टाइप का माहौल होता है ना। तो इन दिनों बारिश के बाद वाला जो सीजन चल रहा है इस समय, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो बड़ा अच्छा सा मौसम है। जो मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती है, मेरी फ्रेंड है, उनका सर्किल है यहाँ पर क्योंकि वो यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, उनका अपना घर है। तो उन लोगों की फ्रेंड्स के साथ वो सब लोग जा रहे थे पाटना देवी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आई थी मेरे पास 2-3 दिन पहले कि तुम भी चलोगे क्या। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने चेंज हो जाएगा, मुझे भी कहीं जाने को मिलेगा। और चूंकि आज संडे है, ओम घर पर रहने वाले हैं तो शुभम उनके पास रह सकता है, ये मेरे लिए अच्छी बात थी तो मैंने हाँ कह दिया था। फिर घर में भी बोला गया कि चले जाओ, तो आज मैं जा रही हूँ। मॉर्निंग में 7:30 बजे हम लोग एक जगह जमा होने वाले हैं, तो हम लोग जो ट्रेवल्स किया है उसके साथ उसमें ही जाना है हम लोगों को। तो चूंकि अब 7 बज रहे हैं, क्योंकि कहीं जाना होता है तो कितनी टेंशन होती है, सुबह सबके लिए खाना बना के जाना है, अपने लिए टिफिन लेकर के जाना है। तो मैं सुबह से 5:30 बजे करीब उठी थी, तब से लगी पड़ी थी, सारा काम मैंने कर लिया है, टिफिन बना लिया अपने लिए और बच्चों के लिए भी बना के रख के जा रही हूँ ताकि लोग लंच में सब खा सके आराम से। तो सब मैंने बनाए इकट्ठे, नहा धो के बाल सुखा ही रही हूँ। अब मैंने अपने लिए चाय रखी है, चाय बन जाए तो फिर चाय पी करके निकलेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा कि पहले आप सबको बता दूं, उसके बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूंगी और माता के मंदिर का दर्शन का भी लूंगी, तो फिर आप सभी के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूंगी। और मुझे जब मैं आज जा रही हूँ तो मैं पूरे टाइम ये सोच रही हूँ कि जब भी लोग पूछते थे ना, बहुत सारे लोग, जब से मेरे काफी व्यूवर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ दिनों से, हमेशा बिलाशा के इर्द गिर्द किचन, रसोई, गैस चूल्हा, बर्तन, चूल्हा चौका बर्तन यही चलता है, लोग पूछने लगते हैं आप कहीं जाते नहीं हो क्या, आप कुछ नहीं तो सब्जी खरीदने जाओ तो भी दिखाओ, या किराना लेने जाओ, ग्रोसरी हॉल दिखाओ, फिर वो यही पूछते हैं आप कहीं जाते नहीं है क्या, बहुत बार सवाल आते हैं। तो आज भी उन सभी व्यूवर्स को बताना चाह रही हूँ कि हाँ, आज अभिलाषा जा रही है घर से बाहर, वरना सच में मेरा कहीं निकलना ही नहीं होता, मैं घर में ही रहती हूँ और हमारा यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं, आना जाना ही नहीं होता है, सारी हमारी फैमिली यूपी में रहती है। और यहाँ कभी हुआ तो संडे ही मिलता है जब उनको छुट्टी होती है, और संडे के दिन मेरे पास कामों की बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसलिए हम लोग और नहीं जाते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ आसपास लोग जा सकते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा निकलते नहीं, और इस बार तो शुभी का 10th है तो कहीं फैमिली में बच्चों के साथ भी ऐसा कहीं निकलने का सोचते ही नहीं, मैं कभी सोचती हूँ तो शुभी मना करने लग जाती है। तो बस इसी तरीके से चलता रहता है, लाइफ चल रही है। तो आज थोड़ा सा चेंज मिलने वाला है तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। अभी सुबह सुबह ही मैंने नहाया है तो बाल हल्के गीले हैं, और चूंकि जल्दी निकलना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस मैं बालों को हाफ क्लच कर लेती हूँ। वैसे मैं घर पर भी ज़्यादातर हाफ क्लच करती हूँ और बहुत ज़्यादा देर क्लचर लगाती हूँ तो सर दुखता है मेरा, इसलिए फिर मैं रबर बैंड लगा करके पोनीटेल बना लेती हूँ। तो मैंने रबर बैंड रख लिया है एक, और बस अभी हाफ क्लच किया है जिससे बाल भी जल्दी से सूख जाएंगे, छोटे से तो बाल हैं। और बस अब सबसे पहले चाय चाहिए थी तो मैंने चाय रखी थी, अदरक और तुलसी डाल करके एकदम कड़क वाली चाय बनाई है, चाय पी करके ही निकलने वाली हूँ मैं। तो मेरी चाय भी बन गई, तब तक चाय पीने के बाद मैं भाभी जी के घर गई हूँ। ये हमारी भाभी जी का घर है, मेरी अच्छी फ्रेंड है, पड़ोस में एक यही है जिनके पास मैं कभी बात करती हूँ और आना जाना होता है हमारा, ये इनका अपना खुद का घर है। भाभी जी एकदम रेडी हैं और अभी चूंकि थोड़ा सा टाइम है 5-10 मिनट निकलने में, तो उनको लग रहा है कि चलो पूजा कर लेते हैं। उनके घर बहुत सारे फूल हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इतना तो बाउंड्री के अंदर दिख रहा है, और बगल में भी एक प्लॉट है वो भी इनका ही है, वो खाली है, वहाँ पर उन्होंने जासवंती के पेड़, नींबू का पेड़, करी पत्ता और अनार, ऐसे बड़े बड़े पेड़
लगा रखी हैं, तो वहाँ से वो फूल तोड़ कर लाई हैं। और ये है चिड़िया का घोंसला, उनके बेटे ने लगा रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सप्तशृंगी माता है, उनकी कुल देवी, तो उन्होंने हॉल में उनकी तस्वीर लगाई हुई है। भाभी जी का बहुत छोटा सा परिवार है, दो बेटे हैं इनके और भाई सब, भाभी और बहू। अभी 1 साल पहले इनके बड़े बेटे की शादी हुई थी, उसका साखरपुड़ा था, तो भाभी मुझे लेकर गए थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं, मैं शादी में नहीं गई, तो अभी तक अफसोस करती हैं क्यों नहीं गई शादी में। ये उन्हीं की बहू और बेटे की तस्वीर हैं, दीवार पर लगी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने मराठी शादी का साखरपुड़ा देखा था, इनके बेटे और बहू का, बहुत अच्छा था। और अभी इनका बेटा बॉम्बे शिफ्ट हुआ है 2 महीने पहले, उसका जॉब लगा है बॉम्बे में, तो अपनी वाइफ के साथ वो बॉम्बे सेटल हुआ। और यहाँ पर छोटा बेटा रहता है मंदार, और भाई साहब और भाभी, 3 लोग हैं इस वक्त। और ये है इनका प्यारा सा घर, हॉल काफ़ी बड़ा है उनका, ये देख रहे हैं आप, ये सारा उनका हॉल है। टीवी और सोफ़ा रखा है, नीचे 2 बेडरूम बनाए उन्होंने, एक अपना और एक बच्चों के लिए, और ऊपर भी 2 बेडरूम बनाया बच्चों के हिसाब से। ये उनका देवघर है, मंदिर, तो बस जल्दी वाली पूजा हो रही है, फूल चढ़ा रही हैं वो, दीपक लगा देंगी, क्योंकि घर से निकलने से पहले इच्छा होती है कि मंदिर में कर लें। और चूंकि जन्माष्टमी थी, तो उनका चौकी पे रखे हुए थे कृष्ण राधा, सैटरडे को उन्होंने भी जन्माष्टमी करी थी, और संडे के दिन मॉर्निंग में हम लोग को निकलना था, तो उनको चौकी से हटाना था राधा कृष्ण, और वो हटा करके उन्होंने सबको फूल दिए हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, जासवंती के इतने सारे फूल देख के ना, मुझे पाचोरा वाला घर याद आने लग रहा है। वहाँ पर इतने फूल निकलते थे, एक समय था मैं 151 जासवंती के फूल का हार गणपति को पहनाया था मैंने, 51, 101, 51, मतलब इतने निकलते थे, पूरा पेड़ लदा रहता था बारिश के सीज़न में। और अब उनकी ये हो गई है पूजा, दीपक चल गए हैं, भगवान को फूल दे चुकी हैं भाभी, और बस अब हम लोग को निकलना ही है। और मुझे अपने पाचोरा वाले घर की बहुत याद आ जाती है फूल देख करके। अब तो हमारे यहाँ फ्लैट में रहते हैं हम लोग, इनके घर के सामने ही मेरा फ्लैट है, और मेरा आना जाना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, फूल भी लेना होता है, तो नीचे उतर के या जाना लाना नहीं होता मेरा, और बस देख के ही याद आ जा रही है पाचोरा वाले घर की। ये इन्होंने मंदिर के बाहर तोरण लगाया हुआ है और ऐसे डेकोरेशन किया, और ये इनकी छोटी सी चक्की है, इस पे ये घर पर ही सारा अनाज पीस लेती हैं, गेहूं से लेकर के चना, हर चीज़। मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको कि घर में चक्की के कितने फ़ायदे हैं। और ये तुलसी घड़ा रखा है गेट पर, और ये इनकी बांगड़ी, ये झूले में बैठते ही मुझे पाचोरा वाले घर की याद आ जाती है। मतलब किसी ज़माने में हमारे घर भी ऐसा बड़ा सा झूला रहता था, हालांकि बैठती तब भी नहीं थी मैं ज़्यादा, लेकिन देखकर याद आ जाता है। और भाभी जी बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। और अब हम लोग जा रहे हैं, मंदार हम लोग को छोड़ने जा रहा है, जहाँ पर हम लोग को सबको मिलना है, तो वो हम लोग बस घर से निकले ही थे कुछ दूरी पर। और इस बैग में हमारा और भाभी जी का पूरा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, मेरा पर्स है, हम लोगों ने बहुत सारा सामान ले लिया है खाने वाने के लिए। और बस थोड़ा सा आगे बढ़े कि भाभी को अपना कारवा याद आ गया, पुराने गाने सुनने की, उनकी अभी उनकी एनिवर्सरी थी कुछ दिनों पहले, तो उनके बेटे और बहू ने उनको गिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो चाहिए पूरे टाइम हम लोग को गाने जो सुनने हैं वहाँ पर। तो फिर वापस मंदार घर आया, फिर गेट खोला, फिर मंदार ने निकाला, कारवा आ गया है। अब भाभी खुश हैं और अपने फ्रेंड से भी फ़ोन में बात कर रही हैं, जिनके साथ हम लोग को सबको मिलना है ना, तो सब तैयारी हो गई, और मंदार ने हम लोग को बस में बिठाल दिया है। हम लोग चले गए पाटना देवी मंदिर, भाभी की सारी फ्रेंड्स हैं, इनका महिला मंडल है पूरा, पूरे बस में सारा ग्रुप है। और ये है मंदिर, जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं ना, तो मंदिर के एरिया में ये बड़ा सा बोर्ड लगा है पाटना देवी, बस इसके बाद अब ये सारा एरिया मंदिर का ही है। मंदिर में जैसे सभी जगह होता है, पूजा प्रसाद का सामान, देवी का ओटी का सामान, सारा कुछ है, हल्दी कुमकुम और साड़ी ब्लाउज जो माता को देते हैं ना, सारा पेड़े नारियल श्रीफल सब कुछ, सब ने अपना अपना प्रसाद ले लिया। और हम लोग मंदिर यहाँ पर महाराष्ट्र में ओटी चढ़ाते हैं देवी को, तो उनकी नथ से लेकर के बांगड़िया, उनका सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी ब्लाउज ऐसे छोटा छोटा रहता है, एक पैकेट में रहता है, उसको ओटी कहते हैं, तो वो सब ने लिया है माता के लिए और प्रसाद लिया है।
और ये है मंदिर का मेन गेट। और आप देख रहे हैं कितना प्राचीन मंदिर है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, पहाड़ में बना हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पर मूर्ति है वो नेचुरल है, मतलब ऐसा कुछ अलग से उसको बना करके नहीं रखा गया है। तो बहुत मान है इन देवी का। और नवरात्रि के दिनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब हम लोग पाचूरा रहते थे तब ये बहुत पास था, लेकिन तब हमारा कभी आना नहीं हुआ। ओम 40 गाँव में कुछ दिनों आए ड्यूटी पे, एक बार वो अपने दोस्त के साथ आए थे। और नवरात्रि के दिनों में तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन इन दिनों बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हुए इत्मीनान से। और दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा ये तो सामने से इतनी अच्छे से दिख रही है माता जी, तो बस मैंने यही दूर खड़े हो करके ये क्लिप बनाई वीडियो। शायद माता की इच्छा रही होगी कि सब लोग दर्शन कर लें घर बैठे, तो मैंने दूर से ही ये वीडियो क्लिप ली है। देखिए कितनी क्लियर भी आई है, क्योंकि भीड़ नहीं है, रश नहीं है ना, तो एकदम आराम से वीडियो भी बन गया। और बस आप सभी को भी दर्शन कराए हमने। इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, सारे फ्रेंड्स सब एक साथ थे। हम लोग बिछाने के लिए लाए थे प्लास्टिक, और एक फ्रेंड है भाभी की, वो तो केले के पत्ते लाई थी, उनका पूरा खेत है भुसावल में केले, केले तो होते ही हैं, सारे धुल के साफ़ केले के पत्ते। और सब ने इसमें ही खाना खाया, इतनी वैरायटी थी खाने की, हर किसी के घर का अपना खाना, हर किसी का अपना स्वाद, और सब ने एक दूसरे को शेयर करके खाना खाया। महाराष्ट्रियन रेसिपी की एक भी सिंगल रेसिपी बची नहीं होगी जो ऑफर नहीं की हुई होगी। हर तरह की खिचड़ी, हर तरह की चटनी, हर तरह की रोटियाँ, हर तरह के पराठे थेपले, यहाँ तक कि रोटियाँ ज्वार भाकरी सब कुछ, और सब ने शेयर करके खाया। उसके बाद हम लोग थोड़ी दूर पर ही है यहाँ पर वाटरफॉल, वहाँ पर भी गए आराम आराम से घूमते टहलते, और वहाँ पर भी खूब मस्ती करी। पानी पानी था, क्योंकि पहाड़ों में तो होता ही है पानी, थोड़ा सा पानी में हम लोगों ने मस्ती भी करी, पानी में पैर डाल कर बैठे। और जहाँ पर वो बड़ा वाला फॉल है वहाँ पर सब ने फोटो सेशन भी किया। शुभी और शुभम नहीं आए तो उनको बहुत मिस किया, मैंने फ़ोन पे बात करी तो पता चला सब मिशन मंगल देखने गए हैं। शुभी का 1 बजे तक एग्ज़ाम था, एक्चुअली उसका मैथ्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम था संडे के दिन, इसलिए उसको रुकना पड़ा, और उसकी वजह से ओम भी रुके, क्योंकि दोपहर में शुभी वापस आने वाली थी, उसको लेने जाना छोड़ने जाना भी उनको ही था। और बस उन लोगों ने मूवी देखी बाहर, खाना वाना खा के आएंगे रात का, ठीक है।